यहाँ से देखिए आप, आपको दरवाजा भी दिखाई दे रहा होगा उस समय का। तो उस समय काफी दूर से इसमें सीढ़ियां लगी रहती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक नया दिन, एक नया सफर, और आज हम पहुंच चुके हैं चंदपुरा, जहां पर राजा की प्राचीन बावड़ी और एक प्राचीन शिकार खेलने के लिए किला बना हुआ है। तो इन दोनों को हम विजिट करेंगे। ये जो बावड़ी आप देख रहे हो हमारे पीछे जो लगी हुई है, ये राजा लगभग घोड़े हाथी जो उनके हुआ करते थे, तो उनको पानी के लिए ये व्यवस्था की गई थी। इसमें सीधे जो उनके घोड़े हाथी हुआ करते थे, सीधे बावड़ी में नीचे जाकर ये पानी पिया करते थे। तो आइए आज हम उस बावड़ी को देखते हैं। यहाँ से देखिए आप, आपको दरवाजा भी दिखाई दे रहा होगा उस समय का। तो उस समय काफ़ी दूर से इसमें सीढ़ियाँ लगी रहती थी। अभी तो फिलहाल में ये इसका जो माटी वगैरह से पुर चुकी है, लेकिन कुछ सफाई आज भी दिखाई दे रही है। दरवाजा भी दिखाई दे रहा है आपको। लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी ये बावड़ी है, और काफ़ी मात्रा में आज इसमें पानी भी है। तो यहाँ पर राजा महाराजाओं के जो घोड़े हाथी आया करते थे, जब वो शिकार खेलने के लिए आते थे, तो यहीं पर अपने घोड़े हाथियों को पानी दिया करते थे। देखिए काफ़ी लंबी आपको ये जो बाउंड्री दिखाई दे रही है, लगभग वहीं से सीढ़ियाँ लगी थी इसमें, और काफ़ी अच्छी थी उस समय बावड़ी। लगभग जो शिकार खेलने के लिए उन्होंने एक यहाँ पर गड़ी भी बनवाई थी, जो लगभग हम आपको अभी दिखा रहे हैं। यहाँ से 200 से 300 मीटर दूर होगी, दिखाई देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ऊपर से बावड़ी काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही है, और यहाँ से मैं आपको इसका पानी की मात्रा दिखाई देता हूँ। तो काफ़ी पानी इसमें आज है, क्योंकि पानी काफ़ी रहा करता था। और यहाँ से आपको देखिए दूर एक गड़ी दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर राजा महाराजा रुकते थे शिकार खेलने के लिए। और ये जो गड़ी और ये जो ज़मीन है, महाराजा ने अभी किसी कारणवश जो उनके साथ रहा करते थे उनको दान कर दी थी, तो आज वही उन्हीं का इस पर अधिकार है। दोस्तों बावड़ी हम देख चुके हैं, अब हम उस गड़ी के पास चलते हैं जो राजा महाराजाओं ने महज शिकार खेलने के लिए बनवाई थी, जो कि यहाँ से एक पहाड़ी पर बनी हुई है। तो चलिए वहीं पर चलते हैं। काफी प्राचीन ये घड़ी मानी जाती है, लगभग 400 से 500 वर्ष पुरानी ये घड़ी है, और इसमें काफी कुछ देखने लायक चीजें भी हैं। इसमें चारों तरफ ये सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो गुंबद आपको दिखाई दे रहे हैं बुंदेला शैली के बने हुए हैं, और बहुत अच्छे ही आर्किटेक्चर से इसको बनाया गया है। काफी कुछ देखने को मिलेगा, और यहाँ से इसका जो दरवाजा है उससे हम अंदर जाएंगे। अभी तो ये वीरान पड़ी हुई है, रात में कोई नहीं आता यहाँ पर। सर प्रथम जब इसके हम दरवाजे पर आएंगे, तो दोनों तरफ ये सैनिकों को बैठने के लिए जो गुंबद बने हुए हैं, मेहराव वाला ये दरवाजा, और काफ़ी सुंदर डिजाइन से इसको बनाया गया है। लगभग ये दो मंजिला बनी हुई है। तो अभी हम इसके अंदर जा रहे हैं मुख्य दरवाजे से, और यहाँ पर देखिए इसमें अधिक ये जो जानवरों का गोबर डला हुआ है, क्योंकि इसकी देख रेख नहीं है, सिर्फ ये जानवर ही यहाँ पर आते हैं, डर के मारे लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। और ये इसका ये आंगन है, चारों तरफ आपको ये मेहराव वाले दरवाजे दिखाई देंगे, और इसके ऊपर का नज़ारा भी कुछ देखने लायक होगा। यहाँ से आप देखोगे तो चारों तरफ इसी तरह का डिजाइन ये जो दरवाजे हैं आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ शिकार खेलने के लिए महाराजा रुद्र प्रताप सिंह यहाँ पर आते थे, और इसी के लिए उनको इसको बनवाया था। अभी भी यह जो टीकमगढ़ के महाराजा हैं उनके अधिकार में है, कभी कभार वे आते भी हैं, सफाई वगैरह भी होती है। नीचे का हाल आप देखिए, तो काफ़ी जर्जर हालत है इसकी। अभी अधिकांश यहाँ पर गोबर ही देखने को मिलेगा आपको। चलिए इसके ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखते हैं क्या कुछ इसमें अभी बचा हुआ है, कुछ अगर देखने लायक होगा कुछ तो देखते हैं। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों से हमको जाना पड़ेगा। काफ़ी यहाँ पर तंत्र मंत्र की साधना भी होती रहती है, तो इस वजह से लोग यहाँ पर नहीं आते हैं। कुछ देखने को मिलेगा ऐसा कुछ, तो हम आपको दिखाते हैं।
छोटी छोटी सीढ़ियां, ये लगभग उस काल में छोटी छोटी सीढ़ियां ही बनाई जाती थी ताकि अगर कोई शत्रु आता है तो वो एक साथ प्रहार ना कर सके, और ये मोड़ सुरक्षा को लेकर दिए जाते थे ताकि जैसे अगर कोई दुश्मन अटैक करता है तो वो सीधा प्रहार ना कर सके, जब वो मोड़ लेगा तो यहाँ से हमारे जो सैनिक है वो उन पर प्रहार कर देंगे। काफी घुमाव बाद ये सारी सीढ़ियों को पार करते हुए लगभग हम इसकी दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं, और दूसरी मंजिल पर यहाँ पर देखेंगे आप तो उस समय यहाँ पर ये देखिए, ये जो पानी भरने के लिए कुछ व्यवस्था की गई थी यहाँ पर, जो लगभग आज टूट चुकी है, यहाँ पर कुछ बंद भी कर दिया गया है, कोई दरवाजा रहा होगा उस समय। यहाँ से देखोगे तो काफी जंगल हुआ करता था उस समय, बहुत सुंदर सीन क्रिएट हुआ करता था। और यहाँ पर पास ही में एक तालाब है जो उस समय काफी बड़ा था, बहुत सुंदर झील है। तो यहाँ पर जो जंगली जानवर थे जैसे कि हिरन वगैरह, तो उन्हीं के शिकार के लिए महज इसको बनवाया गया था। ये देखिए इसका छत आज भी बेहद मजबूत है, और यहाँ पर देखिए कोई आया है, भोजन वगैरह भी यहाँ पर बनाते रहते हैं लोग, लेकिन रात में यहाँ पर आने की हिम्मत कोई नहीं करता। आइए आपको मैं वो झील दिखाई देता हूँ, ये देखिए यहाँ से वो झील साफ नजर आती है जो कि उसी समय की लगभग बनी हुई है। काफी सुंदर नजारा भी यहाँ पर क्रिएट होता है, और उस समय यहाँ पर बहुत घना जंगल था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी के बाद महाराजा मधुकर शाह जी, जो कि मधुकर शाह जी की रानी कुंवर गणेशी, वो ही भगवान राम को यहाँ पर ओरछा में लाई थी, और लगभग ओरछा से 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर ही ये बना हुआ है जंगल में, ये भयानक जंगल में बना हुआ है लगभग, इसीलिए यहाँ पर कोई उतना आता जाता भी नहीं है। और इसकी छत पर आ चुके हैं हम, छत पर आपको यहाँ पर काफी कुछ जो जानवरों का चारा वगैरह देखने को मिलेगा, और चारों तरफ ये गुंबद बने हुए हैं जो कि उस समय यहाँ पर महाराजा, यहाँ से देखिए ये जो खिड़कियाँ बनी हुई हैं तो इनमें जो जानवर वगैरह थे जो शिकार किया करते थे तो इन्हीं की सहायता लिया करते थे यहाँ से निशान वगैरह के लिए। चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि चारों तरफ शिकार की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर देखिए तो ये गुंबद बनाए गए हैं, और यहाँ से चारों तरफ नजर रखी जाती थी, देख सकते हो आप। अभी इतना जंगल है तो लगभग 400 से 500 वर्ष पहले कितना घना जंगल रहा होगा, आप इसका अंदाजा स्वयं लगा सकते हो। इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ से आपको घना जंगल दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ वीरान ये जंगल है, और काफी घना जंगल यहाँ पर आज भी मौजूद है। आइए इसके और आंगन का नजारा यहाँ से देखते हैं, कुछ काफी कुछ इसमें टूट फूट भी हो चुकी है। महज हम यहाँ से निकल ही रहे थे तो हमने सोचा कि इसको भी कवर किया जाए, और उस समय में अगर राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए भी इतना अच्छा प्रबंध कर सकते थे कि आज भी उनकी यादें हमें देखने को मिलती हैं। ये देखिए आंगन ऊपर से ही खुला रखा गया है, और ऊपर से आंगन का कुछ सीन बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। यहाँ पर देखेंगे तो चारों तरफ आपको ये छोटे छोटे गांव दिखाई देंगे जो कि इसे चंदपुरा की गढ़ी कहा जाता है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये चंदपुरा गांव है, और ये हाईवे निकला हुआ है इसी के पास से बनी हुई है, लेकिन ये चारों तरफ से जंगल में है इसलिए यहाँ पर लगभग कोई नहीं आता, आने से डरते भी हैं लोग क्योंकि काफ़ी पुरानी है, काफ़ी किस्से कहानियाँ भी इसके बारे में प्रचलित हैं, तो लोग यहाँ पर आने से डरते हैं। देख सकते हो वीरान जंगल काफ़ी, अगर बरसात के टाइम में काफ़ी हरा भरा सीन होता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये तो था महाराजा रुद्र प्रताप सिंह जी की जो शिकार खेलने वाली गढ़ी, और अगर आप ओरछा आते हो विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, काफ़ी कुछ देखने लायक यहाँ पर चीज़ें हैं। तो आप जैसे ओरछा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर ये है,
आप इसको जैसे टीकमगढ़ जाओगे, टीकमगढ़ में भी महाराजा रुद्र प्रताप जी के जो कुछ वंशज वहाँ पर आज भी मौजूद हैं, और वह सिर्फ दशहरे के दिन खुलता है किला व्यक्तियों के लिए घूमने के लिए, तो आप इसको भी घूम सकते हो, यहाँ पर भी आ सकते हो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अभी हम काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। जैसे ही हमारे प्रॉब्लम कुछ सही होते हैं और हमको टाइम मिलता है, तो हम आपको प्रत्येक जिले के हर एक ऐतिहासिक विरासत को कवर करके दिखाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।